आसान व्यूअर्स, मैं हूं आपका फिल्म वाला मैन जरार रिजवी। प्रोग्राम सच लेके हाजिर हुआ हूं। फिल्म का टॉपिक हो, क्रिकेट का टॉपिक हो, सियासत का टॉपिक हो या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारी गवर्नमेंट एक बजट लेके आई है, इस पर काफ़ी तबसरे भी हो रहे हैं, कोई अच्छा कह रहा है कोई बुरा कह रहा है, यह खैर हर दौर में होता है। मगर जिस तरह तेजी से महंगाई बढ़ी है तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बात कहेंगे तो फौरन कहेंगे ये हमारे मुखालिफ हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक पर नहीं जाता। हाँ, मैं इस पर जाता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म सनत को बहुत ज़्यादा मराहत दी है माशाल्लाह से, 1 अरब के करीब पैसे देने का वादा भी कर लिया है, 5 साल के लिए टैक्स भी माफ़ कर दिए हैं, सनत का दर्जा भी दे दिया है माशाल्लाह से। पहले भी सनत का दर्जा दिया गया था मगर आज तक सनत माना नहीं गया। 5 साल आपने टैक्स फ्री किया, बहुत अच्छी बात है, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने पाकिस्तान के सिनेमा हैं उन सिनेमा ऑनर से ये एक बात कही जाए कि पाकिस्तान की जो फिल्म प्रोड्यूसर है उसको कम से कम वो जो बिजनेस होता है उसमें से 30% खुद रखें, बाकी प्रोड्यूसर को दें। आप हॉलीवुड की या बॉलीवुड की जो फिल्म लगती है उसमें से आप 50% लें, मगर पाकिस्तानी फिल्म में से 30% लें। दूसरा काम ये करें कि जो ये सिनेपैक्स सिनेमा बने ना, ये जो फिल्म लोग देखने आते हैं ना, ये मखाले 15-20-25 से ज़्यादा लोग नहीं देखते, इसलिए आप आगे की कुछ सीटों को कम से कम 50 सीटों को जो ना उसका टिकट सस्ता कर दें, 200 या 300 रुपए कर दें। उससे जो जो हमारा गरीब तबका है ना, जो मास है हमारा, जो तबका फिल्म देखता था वो आने लगेगा। उससे ये होगा कि आपके सिनेमा में कम से कम 70-80 लोग बैठे होंगे, क्योंकि आपके 150 सीटर का 200 सीटर का सिनेमा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी सीटें भी भर जाएं, सिनेमा भी भर जाए और आपके पास पैसे भी आ जाएं। और गरीब जो फिल्म देखता है, जिसकी वजह से फिल्में बनती हैं और जिसकी वजह से फिल्में चलती हैं, वो सिनेमा माने लगेगा तो काफ़ी सिनेपैक्स के हालात अच्छे हो जाएंगे। गवर्नमेंट से मेरी एक दरख्वास्त और है, जो 1 अरब अनाउंस किया ना आपने, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी शख्स को ना दें, क्योंकि इसका बंटवारा हो जाएगा। आप 1 अरब से एक तो इस्लामाबाद की शहजाद चक वगैरह किसी इलाके में ज़मीन लेके वहाँ मीडिया सिटी बना दें, जिसके अंदर एक फ्लोर बन जाए, कुछ ऑफिस बन जाए, मेकअप रूम वगैरह बन जाए और 3-4 रूम गेस्ट रूम बन जाए, कि अगर कराची लाहौर का कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर या आर्टिस्ट वहाँ फिल्म बनाने जाते हैं तो वो वहाँ अटैच कर दें। और उसके अंदर पहाड़ वगैरह भी होना चाहिए, आबशार वगैरह सब कुछ आउटडोर की जो लोकेशन होगी फ्लोर भी हो। उससे ये होगा कि कराची लाहौर या मुल्तान से जो भी होगा वो वहाँ फिल्म बनाने आएगा। साथ में आपको 3-4 रेड कैमरे जो हैं वो ले लें, 2-1 मिनी कुर्सा रख दें और 1-2 एरिया लगा ले दें, साथ में पोस्ट का जो काम है एडिटिंग सेटअप वो लगा दें, और बाकी जो कराची लाहौर के जो अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं उनसे आप स्क्रिप्ट लें और 1 से 1.5-2 करोड़ के बजट की फिल्में बनवाएं लोगों से। इससे क्या होगा, 10-12-14 फिल्में शुरू कर दें आप, और छोटे छोटे बजट की फिल्में, ज़्यादा बजट की फिल्म बनाने की जरूरत नहीं हमें, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि हम 10-10-20-40-40 करोड़ की फिल्में बनाएं, क्योंकि वो फिल्म जो 10-20 करोड़ की बनती है, हिट भी हो जाए तो रिकवर होने में बड़ा टाइम लगता है, तो कम बजट में कम से कम हिट होगी तो करोड़ों कमाएगी और फ्लॉप होगी तो कवर भी हो जाएंगे और इतने डूबेंगे नहीं जिससे आपको नुकसान हो या कोई प्रोड्यूसर फिल्म बनाता हो तो उसको नुकसान हो। तो ये काम बहुत ज़रूरी लाजमी करना अगर आप चाह रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दोबारा रन करे और चढ़े और कामयाबी तक जाए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की जितनी भी हैं उनसे मुल्क चल रहे हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड देख लें, दुनिया भर में फिल्म से पैसा कमा रहे हैं और उनके मुल्क चल रहे हैं, और हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को एक यतीम बच्चे की तरह एक धत्कार दिया, एक बेवा औरत की तरह एक कोने में फेंक दिया। यानी कि ये हर गवर्नमेंट ने अपनी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ ज्यादती की। एक आप करें, नेशनल अवार्ड जो बंद पड़े हुए उनको दोबारा अनाउंस करें, हर साल नेशनल अवार्ड दें, मगर 3 कैश अवार्ड आप दें। पहला जो कैश अवार्ड होगा वो कम से कम 50 लाख का हो, दूसरा 30 लाख और तीसरा जो है 20 लाख।
उससे ये होगा कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अंदर एक जज्बा जागेगा, उससे वो होगा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाएगा, अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाएगा, हर आदमी इनाम जीतना चाहेगा और हर आदमी 50 लाख कम से कम जीतना चाहेगा, उसके लिए अच्छी फिल्म बनेगी, अच्छी फिल्म बनेगी तो आपके सिनेमा में आएंगे और सिनेमा में जब लगेंगे तो पब्लिक भी आएगी, तो आपको फिल्म से भी बिजनेस होगा और अवार्ड वगैरह जो कराएंगे उससे भी फायदा ही पहुंचेगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा। गवर्नमेंट इस पर अमल कर ले तो मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे एक एहसान हो जाएगा और ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट को कमा के भी देगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स फिल्म इंडस्ट्री पे लगते हैं। प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, एग्जीबिटर हो, एक्टर्स हो, मुख्तलिफ शोबे के एक्टर होते हैं, फिर राइटर हो, कैमरा मैन हो, एडिटर, यानी कि हर सब इनकम टैक्स देता है। तो इसलिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री क्या सोचें और अमल करें, ये जो अनाउंस किया ना अनाउंस ना करें, इस पर अमल करें तो इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका?